हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीन अंतिल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट के बाहर कॉज लिस्ट क्यों लगाते हैं और कॉज लिस्ट क्या होती है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आप एक फोटो देखो जो कि बहुत दिन पहले मैंने अपने फोन से क्लिक किया था, लेकिन आज वो काम आ गया है, ठीक है। तो पहले आप फोटो देखो कॉज लिस्ट का। तो ये कॉज लिस्ट होती है जो कि कोर्ट के बाहर एक बॉक्स में लगाई जाती है, ठीक है। तो और इसमें हमें मतलब कभी भी मान लो आज हमारी तारीख है किसी केस की, तो अगर हम हर कोर्ट के बाहर कॉज लिस्ट लगाई जाती है बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आज हमारी तारीख है और हम कोर्ट में जा रहे हैं, तो कोर्ट में अंदर जाने से पहले एक बार अपना कॉज लिस्ट में अपने केस को देख लीजिए कि है भी या नहीं है, ठीक है। अगर है तो किस कौन से नंबर पे है और किस स्टेज पे है, जैसे मान लो कि नोटिस में है या गवाही में है या आर्गुमेंट में, वो भी हमें कॉज लिस्ट के जरिए पता लग जाएगा, ठीक है। तो कॉज लिस्ट का ये काम होता है और एक कॉज लिस्ट रीडर साहब के पास भी होती है। तो पहले अगर हम कोई भी केस हमारा और कॉज लिस्ट में देख लिया कि हाँ भाई 5वें नंबर पे है, तो क्या होगा कि रीडर साहब के पास जाके हम बोल देंगे कि 5 नंबर पर हमारा केस है, तो आप उसके बारे में बताइए क्या रहा क्या नहीं रहा, ठीक है। और घर वकील को तो पता ही होता है, लेकिन अगर खुद आपको पता करना है तो कॉज लिस्ट के जरिए आप पता कर सकते हैं कि किस स्टेज पे आपका केस है। और अगर बाई चांस कॉज लिस्ट आज की तारीख है और कॉज लिस्ट में आपका मतलब केस नहीं लगा हुआ, तो आप क्या करेंगे, एल मदरूम में जाके अपने केस के बारे में एल मदरूम में जाके आप पता कर सकते हैं। और अगर आज की तारीख और कॉज लिस्ट में आपका केस नहीं है, तो एल मदरूम क्या करेगा, उस फाइल को कोर्ट रूम में पहुंचा देगा, जिससे आपका काम थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉज लिस्ट का यही काम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर कोई लीगल प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक बात और, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का फोटो, आप देख सकते हैं, जाके फॉलो करो। और कोई भी अगर बात आपको पूछनी है तो इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हो, मैं वहां भी रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है।